हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जी एस अकेडमी का बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट नंबर 27 देखने वाले हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से, एमिल दुर्खिम के अनुसार धर्म की केंद्रीय विशेषता थी। एमिल दुर्खिम के अनुसार धर्म की केंद्रीय विशेषता क्या थी? पवित्र, अपवित्र, द्विभाजन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर टू, न्यायपालिका ने किस विवाद के द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए? विशाखा बनाम राजस्थान राज 1997, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थ्री, किसके लेख से पहली बार दंडनायक एवं महादंडनायक जैसे पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है? किसके लेख से पहली बार दंडनायक एवं महादंडनायक जैसे पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है? यह मिलता है कुषाण लेख में, ऑप्शन नंबर ए। कौन एक सुमेलित है? इसमें से कौन सा एक जो है सुमेलित है? दुमखर परियोजना यह किस नदी पर है? तो सिंधु नदी पर यह सुमेलित है, जबकि बाणसागर परियोजना सोन नदी पर है, ना कि चंबल नदी पर है। सोन नदी ध्यान रखिएगा। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, ना कि चेनाब नदी पर है, झेलम नदी पर है। भीमा परियोजना भीमा नदी नहीं, पवना नदी। भीमा परियोजना पवना नदी पर है। इसमें से सुमेलित बताना था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सुमेलित है। एक बार फिर से सुनिएगा, दुमखर परियोजना सिंधु नदी, बाणसागर परियोजना सोन नदी, तुलबुल परियोजना झेलम नदी, भीमा परियोजना पवना नदी। क्वेश्चन नंबर फाइव, भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है कनाडा से, ऑप्शन नंबर बी। निम्न चीनी लेखकों का भारत आने का कौन सा क्रम सही है? चीनी लेखकों का भारत में आने का क्रम बताना है। सबसे पहले फाइयान, उसके बाद सयुगन 515, हेनस्वांग 629, इत्सिंग 672, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, यह भी ध्यान रखिएगा। हेनस्वांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। किस पंचवर्षीय योजना के तहत ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति का प्रारंभ हुआ? किस पंचवर्षीय योजना के तहत ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति का प्रारंभ हुआ? क्या प्रारंभ हुआ था? चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी। असत्य कथन का चयन करें, इसमें से असत्य कथन कौन सा दिया गया है? कथा बनाने के लिए खैर वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, जी बिल्कुल। बीड़ी बनाने के लिए तेंदु वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। प्लास को जंगल का आग कहा जाता है, प्लास को जंगल का आग कहा जाता है। नागफनी एवं अकाशिया शुष्क कटीली वनस्पति के वृक्ष हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है यह गलत दिया गया है। यह जो है वनस्पति के वृक्ष हैं, मरुस्थल के वृक्ष हैं, कटीली वनस्पति के वृक्ष हैं, नागफनी एवं आकाशिया शुष्क कटिल नहीं, यह मरुस्थल के होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर डी जो है गलत दिया गया है। बाकी सब सही है, कथा बनाने के लिए खैर वृक्ष, बीड़ी बनाने के लिए तेंदु वृक्ष, प्लास को जंगल का आग कहा जाता है। नेक्स्ट है, अधोलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी कहलाता था, पूरब दुर्गपति कहलाता था। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी, पूरब दुर्गपति, ये दोनों सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अस्पस या गुप्चर हुआ करते थे, यह सही है। उग्र अपराधी नहीं हुआ करते थे, उग्र जो होते थे अपराधी को पकड़ने वाला उग्र कहलाता था। अपराधी को उग्र नहीं कहते थे, अपराधी को पकड़ने वाले को उग्र कहा जाता था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? मानववाद का संस्थापक पेट्रोव को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। कौन एक सुमेलित है? वन संरक्षण अधिनियम 1981, वन संरक्षण अधिनियम 1981 यह गलत है। कौन सुमेलित है वह पूछा गया है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया था, 1980। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1976 यह भी गलत है, 1976 नहीं 1974, 1974। इको मार्ट स्कीम 1991 यह सही है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 नहीं 2006 होना चाहिए। कौन सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर सी। या फिर से सुनिएगा, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया था, जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में लाया गया था, इको मार्क स्कीम 1991, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12, असत्य कथन का चयन करें, असत्य कथन का चयन करें। मंडल आयोग का गठन 1979 में किया गया, मंडल आयोग का गठन 1979 में किया गया, सही है। इस आयोग का कार्य सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े का पहचान करना था, यह भी सही है।
इसने अपनी रिपोर्ट 1981 में प्रस्तुत किया? नहीं, इसने अपनी रिपोर्ट 1981 में नहीं 1980 में प्रस्तुत किया, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौकरियों में पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण एबीपी सिंह की सरकार द्वारा लागू किया गया, यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से सही वरीयता क्रम का चयन करें। वरीयता क्रम, उप प्रधानमंत्री 5 के क नंबर पे आते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष 6 नंबर पे आते हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री 7 नंबर पे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। किस वायसराय के समय में विधान परिषद में 3 भारतीय सदस्य बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को मनोनीत किया गया? किस वायसराय के समय में विधान परिषद में 3 भारतीय सदस्य बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को मनोनीत किया गया? यह मनोनीत किया गया था 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय। ऑप्शन नंबर सी। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवन ने। अपर्णा पोपट का संबंध किस खेल से है? अपर्णा पोपट का संबंध बैडमिंटन से। द नेम शेख निम्न से किसकी रचना है? झुम्पा लाहिड़ी की। ऑप्शन नंबर बी झुम्पा लाहिड़ी की। प्रमुख जैन तीर्थंकर शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? शांतिनाथ जो कि 16वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? यह हो जाएगा हिरण। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी निम्न से कौन है? सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा? किलायु। ऑप्शन नंबर ए किलायु। नील कमल जो चिन्ह था या किसका था? 21वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ, उनका चिन्ह था। नेमिनाथ का चिन्ह क्या था? नील कमल। अरहानाथ का हो जाएगा मीन, और शंख किसका था? तो शंख हो जाएगा आपका अरिष्टनेमिका, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। किस युद्ध से पिंडारियों के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई शुरू हो गया था? यह शुरू हुआ था तृतीय अंग मराठा युद्ध। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ कब किया गया? अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ कब किया गया? 2000 में। लाल किला मुकदमा में कौन कौन से सैनिक शामिल थे? जनरल शाहनवाज, जनरल जी एस ढिल्लो, जनरल प्रेम सहगल, 2, 3 और 4। जनरल मोहन सिंह नहीं थे, जनरल शाहनवाज, जनरल सी एस ढिल्लो, जनरल प्रेम सहगल। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन जहांगीर के दरबार में चित्रकार नहीं था? जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं था तो धर्मदास, जबकि अकारिजा, बिशनदास, मंसूर यह सब जहांगीर के दरबार में चित्रकार थे, धर्मदास अकबर के थे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। अवध की स्थापना किसने किया था? शहादत खान ने। हैदराबाद निजाम आईमीन किलेज खान ने किया था। कर्नाटक की स्थापना साधुतुल्ला खां। भरतपुर का चुरामन एवं बदन सिंह। ऑप्शन नंबर सी। सिगरेट के धुएं में पाए जाने वाले निम्न से कौन एक प्रमुख प्रदूषक नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, बेंजीन भी है, हाइड्रोजन साइनाइड भी है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा वहन होता है? जीका वायरस वहन जो होता है मच्छर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। प्रतिरोधी और भी संक्रामक रूप में प्रयोग किया जाने वाला गहरे बैंगनी रंग का यौगिक पोटेशियम परमैंगनेट। एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है स्थैतिक घर्षण है, उसके बाद काइनेटिक घर्षण, रोलिंग घर्षण। ऑप्शन नंबर बी। भोपाल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्मधम सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू ने। ऑप्शन नंबर डी। वह बल जो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होता है और हवा की दिशा को प्रभावित करता है उसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं कोरिओलिस बल। जब अनेक छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद की रचना करती है तब उनमें ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर की टीम का मेंटर महिला प्रीमियर लीग ने किसे नियुक्त किया है? सानिया मिर्जा।
सेबी के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? सेबी के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? इसे 30 जनवरी 1988 को एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया, ऑप्शन नंबर सी, यह जो है गलत दिया गया है। 30 जनवरी 1988 को नहीं, 1992 नरसिम्हा समिति, इसका स्थापना 12 अप्रैल 1988 को किया गया, ऐसे ही इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन एवं पर्यवेक्षण करता है। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? हिमरोधी के रूप में एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग होता है, एथिलीन ग्लाइकॉल। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार धारक के रूप में भारत विश्व में किस स्थान पर है? विदेशी मुद्रा भंडार धारक के रूप में भारत विश्व में किस स्थान पर है? भारत है 6ठे स्थान पर। मायोपिया में होता है दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना, मायोपिया दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना, उत्तल लेंस का प्रयोग। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ? गोवा में। 23वां राष्ट्रमंडल कानून गोवा में। निम्न से किस लौह इस्पात कारखाना का स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में हुआ? 1964 में किया गया था रूस के सहयोग से, बोकारो स्टील प्लांट का। दुर्गापुर की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ है? यह हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़, इसकी स्थापना रूस के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 39, भारत सिंगापुर संयुक्त अभ्यास वर्ल्ड कुरुक्षेत्र हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ? वर्ल्ड कुरुक्षेत्र हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ? यह संपन्न हुआ है जोधपुर में। शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर क्या होता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP इक्वल टू GDP माइनस ह्रास। हाल ही में किसने 40 वन वेव इंटरनेट उपग्रह लॉन्च किया? स्पेस एक्स। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? वनों का देश कहा जाता है कांगो को। मधुमक्खियों में संचारण का साधन है, मधुमक्खियों में संचारण कम्युनिकेशन का साधन क्या है? यह हो जाएगा डांस, नाच। भारतीय नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नीली क्रांति का जनक कहा जाता है हीरालाल चौधरी को। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा। नेस्ट हाल ही में न्यूजीलैंड के किस द्वीप पर 7.1 तीव्रता का भूकंप आया? 7.1 तीव्रता का भूकंप न्यूजीलैंड के किस द्वीप पर? तो केर्मा डेक द्वीप पर। स्विस कंपनी आई क्यू एयर द्वारा प्रकाशित वैश्विक वायु गुणवत्ता अध्ययन के अनुसार प्रदूषित देशों में भारत का क्या स्थान है? स्विस कंपनी IQAir द्वारा प्रकाशित वैश्विक वायु गुणवत्ता अध्ययन के अनुसार प्रदूषित देशों में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान है 8वां प्रदूषण के मामले में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का लगभग कितना भौगोलिक क्षेत्र बाढ़ प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 12.5%। निम्न में से कौन सा स्पोरोफाइट का उदाहरण है? स्पोरोफाइट का उदाहरण मशरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए गलत मिलान का चयन करें। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 में की गई थी, सही है। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948, लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना 1954 में की गई थी, यह भी सही है। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950 में, यह भी सही है। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग 1956, यह गलत है। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना जो की गई थी 1957 में, 1957। और फिर से सुनिएगा, कुटीर उद्योग बोर्ड 1948, लघु उद्योग बोर्ड 1954, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग 1957। भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने देशों के बैंकों को रुपये भुगतान निपटान के लिए विशेष वोस्ट्रो रुपया खाता खोलने की अनुमति दी है? 18। संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए, ऑप्शन नंबर ए, महाभियोग राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत अमेरिका के संविधान से। हाल ही में समाचारों में देखा गया स्ट्रॉबेरी सेंस किससे संबंधित है? स्ट्रॉबेरी सेंस किससे संबंधित है? अंतरिक्ष मिशन से। सभी कवक सदैव होते हैं मृतोपजीवी, सभी कवक सदैव होते हैं मृतोपजीवी। मनिक साहा ने 8 मार्च 2023 को किस राज्य में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? मनिक साह त्रिपुरा। दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? मानव हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड ने।
7 मार्च 2023 को सौवित जन औषधि केंद्र का शुभारंभ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस स्थान पर किया? बेंगलुरु। उपकला उत्तक को प्रभावित करने वाले कैंसर को क्या कहते हैं? कार्सिनोमास। ऑप्शन नंबर ए कार्सिनोमास। उपकला उत्तक को प्रभावित करने वाले कैंसर को क्या कहते हैं? कार्सिनोमास। इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जिसे यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है? ऑप्शन नंबर डी कामिनी। आरोहण मूल पाई जाती है किसमें पाई जाती है? आरोहण मूल क्लाइंबिंग रूट पाई जाती है पान में। ऑप्शन नंबर ए पासपोर्ट वर्ल्ड इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान है 144वां। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बीट है। ऑप्शन नंबर ए। ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? अनुराग बेहर ने। ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +3। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किससे ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार वापस ले लिया है? व्लादिमीर पुतिन से। खुरपका या मुंहपका रोग किससे होता है? वायरस से। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद है ग्लाइकोजन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं? 2023 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र की थीम डिजिट ऑल लैगिंग समानता के लिए आविष्कार एवं तकनीक है। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी। स्थानीय शीतल पवन मेस्ट्रेल से संबंधित स्थान कौन सा है? मेस्ट्रेल पवन जाती है स्पेन एवं फ्रांस। मिलान करिए। मेमोग्राफी स्तन। एंजियोग्राफी रुधिर वाहिकाएं। एंडोस्कोपी मलाशय। अल्ट्रासोनोग्राफी गर्भाशय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग मिला लेंगे। महिला के लिए चक्का डिस्कस का वजन होता है 1 kg 1.00 kg। अरहर का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? अरहर जिसे आम बोलचाल में क्या कहते हैं? राहड़ भी बोलते हैं। अरहर का जन्म स्थान जो है यह कहाँ है? अफ्रीका में। भारत के निम्न लौह एवं इस्पात केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्र में काफ़ी दूर स्थित है? तो यह है भद्रावती। ऑप्शन नंबर डी भद्रावती। किस शासक के सेनापति बिमल शाह ने माउंट आबू पर प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया? बिमल शाह ने माउंट आबू पर प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया था भीमसेन प्रथम के समयकाल में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अनुच्छेद का मिलान करना है। निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति से संबंधित है। निर्वाचन की रीति किसमें? अनुच्छेद 55 में है। निर्वाचन जो है अनुच्छेद 57 में है। पुनर्निर्वाचन की चर्चा अनुच्छेद, एक मिनट रुक जाएंगे, गलती हो गया है। निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55, निर्वाचन की जो चर्चा अनुच्छेद 54 में है। पुनर्निर्वाचन अनुच्छेद 57। पदावधि की चर्चा जो है अनुच्छेद 56 में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1917 में जब एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया गया तो इसके विरोध में किसने सर की उपाधि नाइटहुड वापस कर दी? 1917 में जब एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया गया तो इसके विरोध में किसने सर की उपाधि नाइटहुड वापस कर दी? तो ए सुब्रमण्यम अय्यर। ऑप्शन नंबर ए। किस मौर्य शासक के मंत्रिपरिषद का प्रधान खल्लाटक था? बिंदुसार। निम्न में से किस संघ का विघटन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा नहीं किया गया?
समाज समता संघ का स्थापना भीमराव अम्बेडकर, बहिष्कृत हितकारी सभा का स्थापना अम्बेडकर ने किया था, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का भी स्थापना भीमराव अम्बेडकर ने किए थे, जबकि हरिजन सेवक संघ की स्थापना भीमराव अम्बेडकर ने नहीं गांधी ने किए थे 1932 में। इनमें से कौन रबी फसल का उदाहरण नहीं है? रबी फसल का उदाहरण कपास नहीं है, जबकि सरसों, आलू, अलसी या सब रबी फसल के उदाहरण हैं। या जायद फसल में आते हैं, सॉरी नकदी फसल में आते हैं कपास, जूट, गन्ना, यह सब ध्यान रखिएगा। किस धर्म के अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं? किस धर्म के अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं? यह मानते हैं पारसी। पारसी धर्म की स्थापना किसने किया था? जरथुष्ट ने। जरथुष्ट ने। पुस्तक जेदावस्था। किस नदी को बांग्लादेश में सुरमा तथा मेघना नाम से जाना जाता है? किस नदी को बांग्लादेश में सुरमा तथा मेघना के नाम से जाना जाता है? यह नदी कौन सी है? बराक है, ऑप्शन नंबर डी। महमूद गजनी ने नागरकोट के विरुद्ध हमला कब किया? महमूद गजनी ने नागरकोट के विरुद्ध हमला कब किया? 1008 ईस्वी। किस प्रोजेक्ट के तहत महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित जिलों में सड़कों का निर्माण कार्य संपन्न किया जा रहा है? प्रोजेक्ट हीरक। फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट कौन है? फोर्ट विलियम कलकत्ता, उसका प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? चार्ल्स आयर। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व वर्ग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मानवेंद्र नाथ राय, ऑप्शन नंबर ए। असत्य मिलान का चयन करें। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व, यह सही है। साक संवत 78 ईस्वी। कलचूरे चेंदी संवत 1948-49, यह भी सही है। गुप्त संवत 319 ईसा पूर्व नहीं 319 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी जो है गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पाइक विद्रोह कब पूर्णतः दमन कर दिया गया? पाइका विद्रोह को कब पूर्णतः दमन कर दिया गया? 1825 ईस्वी में। ओडिशा ने नेतृत्वकर्ता जगबंधु थे। क्वेश्चन नंबर 87। 1823 ईस्वी के अनुज्ञप्ति नियम का संबंध किससे है? प्रेस से। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का मांग किया गया? पूर्ण स्वाधीनता का मांग 1927 मद्रास। पूर्ण स्वाधीनता का मांग 1927 मद्रास, ऑप्शन नंबर सी सर्वथा है। गांधी एंड बॉम्बे पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? गांधी एंड बॉम्बे पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? गोपाला स्वामी के द्वारा। तमिल में पेठ शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? पेठ शब्द प्रयोग आता है बस्ती के लिए। तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ एवं प्रतिज्ञानों में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया कि भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए वचनबद्ध हो गए? 16वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए। कौन एक सुमेलित नहीं है? सब और संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं। पारिस्थितिकी तंत्र टॉन्सले संबंधित इकोलॉजी अर्नेस्ट हेकल, हरित विकास डब्ल्यू एम एडम्स, जैव विविधता एडम स्वेल्स नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है, डब्ल्यू जेरोसिन होना चाहिए था, डब्ल्यू जेरोसिन। भाग्यम तेल क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? भाग्यम तेल क्षेत्र राजस्थान। प्रथम विश्व युद्ध के समय धुरी राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं था? धुरी राष्ट्र में कौन शामिल नहीं था? फ्रांस। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्वों को किससे ग्रहण किया गया है? रूसी क्रांति से। 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोग मिला लेंगे। 97 ऑप्शन नंबर बी होगा। 98 नंबर ऑप्शन नंबर सी, 99 ऑप्शन नंबर ए, और लास्ट प्रश्न इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब इस अपना कर लीजिएगा, करने की इच्छा हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।